नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। अगर आपको फार्मिंग करना पसंद है और आप खाद और बीज की दुकान खोलना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। आज हम आपको बता रहे हैं कि आप भी खाद और बीज की दुकान को खोल सकते हैं। अगर आप कृषि के क्षेत्र से जुड़ा कम निवेश वाला बिजनेस आइडिया खोज रहे हैं तो आप खाद और बीज की दुकान काफी आराम से खोल सकते हैं। ये एक ऐसी व्यवसाय है जो जिसमें आपको ज्यादा लागत लगाने की भी जरूरत नहीं है, कम निवेश में भी इसकी आप शुरुआत कर सकते हैं। हालांकि इस बिजनेस को शुरू करने से पहले आपको लाइसेंस प्राप्त करना होगा। इस संबंध में भगवानपुर हॉट स्थित कृषि विज्ञान केंद्र की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर अनुराधा रंजन कुमारी बताती हैं कि अगर कोई व्यक्ति खाद या बीज का दुकान खोलना चाहता है तो इसके लिए उसे सबसे पहले 15 दिनों का एक कृषि विज्ञान केंद्र से सर्टिफिकेट लेना होगा। दरअसल अनुराधा रंजन का कहना है कि कोई भी व्यक्ति खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस प्राप्त कर सकता है, लेकिन इसके लिए सरकार ने एक शर्त लगा दी है। अब सिर्फ उन्हीं लोगों को लाइसेंस मिलेगा जो देश के किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स किए हों। वहीं आपको आगे बता दें कि जो व्यक्ति 15 दिनों का सर्टिफिकेट कोर्स करना चाहता है उसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र में 12,500 रुपये का जमा कर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकार ने इसके लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास रखी है। यानी डिग्री का ना होना अब खाद और बीज की दुकान खोलने के लिए बाधक नहीं बनता है। इससे पहले कृषि और किसान कल्याण विभाग ने कीटनाशक दवाइयों और खाद और बीज के विक्रेताओं के लिए बीएससी एग्रीकल्चर या फिर डिप्लोमा एग्रीकल्चर की कोई भी डिग्री अनिवार्य कर दिया था, लेकिन अब ऐसी करने की कोई जरूरत नहीं है। अनुराधा रंजन आगे बताती हैं कि बढ़ती बेरोजगारी को देखते हुए सरकार ने व्यवस्था में बदलाव किए हैं और साथ ही साथ केंद्र सरकार ने इस नियम से थोड़ी छूट देते हुए कीटनाशक और खाद बीज का कारोबार करने के इच्छुक युवाओं के लिए डिग्री की बाध्यता खत्म कर दी है। नए नियम के अनुसार कृषि स्नातक युवाओं के साथ साथ 10वीं पास भी इस खाद और बीज की दुकान को खोल सकते हैं। उन्हें इसके लिए 15 दिन का एक सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा और वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद किसी भी विभाग के कोई भी व्यक्ति जो है वो खाद और बीज का दुकान जो है वो खोल सकते हैं। इससे पहले खाद बीज या फिर किसी भी प्रकार की कीटनाशक दवाइयों के अगर दुकान खोलने रहते थे तो उन्हें एग्रीकल्चर करना होता था। अगर एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट उनके पास होता था तभी वो दुकान खोल सकते हैं, लेकिन अब सरकार इसमें थोड़ी छूट दी है और 15 दिन का एक सर्टिफिकेट जो है वो लोगों को बनवाना होता है और अगर वो सर्टिफिकेट आप बनवा लेते हैं तो आप भी ये दुकान खोल सकते हैं।